अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल काजू कतली। पहले मैं काजू को धो के सुखा लिया हूँ, फिर अभी ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके काजू को रुक रुक के पीसना है। एक बार में ही नहीं चलाना है, ऐसे ऐसे रुक रुक के चला के ऐसे थोड़ा रुक के ऐसे पीस लेना है। फिर छलनी से इसको छान लेना है। काजू को मैंने बारीक पीस लिया है। अभी उसमें 100 ग्राम, क्योंकि काजू 500 ग्राम है, इसलिए 100 ग्राम पाउडर दूध देके पाउडर दूध को भी हमें छान लूंगी। अभी मैं थोड़ा कढ़ाई में घी लगा लूंगी, फिर चीनी 400 ग्राम डाल दूंगी, उसके बाद पानी डाल के अच्छा से उबाल आने तक पका लूंगी। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। थोड़ा सा दूध डाल दूंगी 2 चम्मच से, अच्छे से उबल आने के लिए छोड़ दूंगी। चीनी अच्छा से गल गया है, देखिए ऐसे हाथ से छूने से पता चलता है, चिपका चिपका होता है तार तार। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, फिर धीरे से पाउडर को डाल दूंगी। डाल के फिर अच्छा से फैला फैला के ऐसे फैला फैला के गैस को मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा। अभी धीरे 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 ऐसे हिलाते 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 अच्छा से डो बन जाएगा। ऐसे 10-15 सेकेंड बार बार इसे फैलाना है, फिर इसको इसे उठाना है, फिर इसे फैला देना है। लगभग डो बन रहा है अच्छा से, और थोड़ा थोड़ा देर बाद ऐसे हिलाना है, अपने आप डो ऐसे बन जाएगा। देखिए व्यूअर्स, बहुत सुंदर से डो बन गया। अभी मैं इसको निकाल लूंगी, फिर मैं थोड़ा
हाथ से। और अभी गरम है, ससे में दो हिस्से में कट के एक हिस्सा में अभी डो बना के जो सेलोफेन पेपर है उसमें डाल के बटर पेपर लगाता है। मेरे पास अभी बटर पेपर नहीं है इसलिए मैं सेलोफेन पेपर में ही इसे बिछा के अच्छा से बेल लूंगी। आप लोग को जितना मोटा रखना है उसी हिसाब से बेल लेना है। बहुत सुंदर से बेल लिया है, अभी मैं इसे इसमें इसे रख के मैं थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर मैं और एक डो है उसे भी अच्छा से डो बना के उसे भी पॉलिथीन सेलोफेन में बिछा के फिर मैं अच्छा से बटर पेपर होने से ज्यादा अच्छा है। अभी मेरे पास बटर पेपर नहीं है इसलिए मैं सेलोफिन में ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। अपना हिसाब से मोटा पतला जैसा रखे आप लोग रख सकते हैं। सिल्वर पेपर लगा देती हूँ, बाद में मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर बाद में कट कर लूंगी। सिल्वर पेपर नहीं है तो आप लोग केसर भी डाल सकते हैं, दूध से केसर भी लगाने से बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई सिल्वर पेपर नहीं खाता तो केसर भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसे कट कर दूंगी। देखिए व्यूअर्स, काजू कतली बहुत अच्छा से तैयार हो गया। अभी मैं उठा के व्यूअर्स, काजू कतली तैयार हो गया है। ऐसे आसान तरीका से आप लोग भी घर में बना के खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।